तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट अवेटेड वीडियो था, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी था और मैंने भी कमिट करा था कि हाँ भाई, इसका जब हमने KNN लगवा लिया है तो KNN लगने के बाद इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो डालूंगा। तो आज वही शूट करने आया हुआ हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ माइलेज ही निकाल के दिखा दूँगा कि इतना माइलेज आ गया, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि इतनी गर्मी हो रही है तो क्या ये हीट होकर बंद तो नहीं होती, या फिर इसकी परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं होती, या फिर अगर आप मान लो ट्रैफिक में चला रहे हो तो क्या इसको मैनोवर करना ईजी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइलेज बता दिया दैट्स इट हो गया, नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ शेयर करूँगा। होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ जाएगा। फिलहाल तो अभी इसके अंदर आधे टैंक के आसपास फ्यूल है, फुल करवा लेता हूँ। फुल करवाने के बाद देखते हैं अभी कितना आता है एंड फिर चलाएंगे 30-40 किलोमीटर या जितने भी चलाएंगे। मुझे एक छोटे से काम से जाना भी है, काम भी हो जाएगा, माइलेज टेस्ट का वीडियो भी बन जाएगा और उसके अलावा एक डिफरेंट वीडियो भी। देख रहे हो मल्टी टैलेंटेड आपका भाई, बहुत सारी वीडियो एक साथ शेयर, मतलब शेयर नहीं, बहुत सारी एक वीडियो एक साथ शूट कर लेता है। और आज मैं बहुत सारी वीडियो शूट करने के मूड में भी हूँ, ऐसा क्यों है बाकी सारी चीज़ें भी फिलिंग करवाने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ। वैसे तो मैं HP से ही डलवा लेता हूँ पेट्रोल, HP का थोड़ा मतलब ऐसा कहते हैं थोड़ा सा बेटर रहता है। बाकी HP पे अगर आप फ़ोन पे से पेमेंट करते हो तो आपको भाई महा छूट भी मिल जाती है, भारी डिस्काउंट मिलता है बहुत, 1 रुपये का वो भी 500 या 1000 रुपये के पेट्रोल पे। चलो भाई, फुल कर दो। ऊपर तक कर देना, ठीक है, यहीं तक पकड़ के रख लो, पकड़ के रख लो, अंदर नहीं जाएगा। और वैसे भी अभी वाला फुल मैटर नहीं करता, मैटर करता है बाद वाला फुल। कितना? 497। हाँ बस रहने दो, मुझे लग भी रहा था कि इसके अंदर 500 का आ जाएगा। तो भाई 5.50 लीटर पेट्रोल आ गया, हाफ टंकी फ्यूल था इसके अंदर एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। आगे चल के इसका ट्रिप वगैरह ज़ीरो करता हूँ, देन आई विल शो यू। भाई अपनी बाइक में तो नाइट्रोजन डली हुई है, अपने में टायर प्रेशर को लेकर तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, अगर कम होता भी तो पता चल जाता है। खैर वो सारी बात छोड़ते हैं, अब आते हैं भाई इसके इस वाले पोर्शन पे। थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, ट्रिप 1 भी कर लेता हूँ मैं, 0 आई थिंक कैमरे में विजिबल हो रहा होगा। ओ भाई 0, एक सेकेंड, मुझे लगता है अच्छे से प्रेस नहीं हुआ। ट्रिप 1 हो चुके 0, ट्रिप 2 भी 0 कर लेते हैं, बाद में भाई दिमाग में कोई डाउट ना रहे, है ना, तो थोड़ा सा हम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। तो भाई ट्रिप 1 और 2 0 है, फ्यूल देख लो भाई फुल है, बाइक थोड़ी सी गंदी हो रही है उसके लिए माइंड कोई भाई नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ी गंदी संदी बाइक सही रहती है यार, लोग कम देखते हैं, फिर ज़्यादा नोटिस करके फिर वही रहता है ना। खैर छोड़ो, देखो मैं आपको सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा कि भाई KNN लगाने के बाद इसकी माइलेज क्या आ रही है, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी सी चला दी और फिर आप लोगों को थोड़े थोड़े सीन कट कट करके माइलेज दिखा दी और एक 10 मिनट का वीडियो बना दिया या 5 मिनट का वीडियो बना दिया, नहीं। अब जब हम प्रॉपर भाई माइलेज का वीडियो शूट कर ही रहे हैं तो क्यों ना आपको इसके अलावा इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो लोग मेरे से पूछ भी रहे थे, ऊपर से चलते हैं, जिसको लेकर आप लोगों ने मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं कि भाई जैसे कि अब आप देख लो आराम से भाई, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है, कम से कम भी नहीं तो 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो रहा है, या फिर 40 तो होगा ही होगा आराम से। तो मैं इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो तो शूट कर ही रहा हूँ, उसी के साथ देखेंगे कि इतनी गर्मी में बाइक हीट होनी शुरू हो गई है, गर्म गर्म हवा नीचे से आ रही है और वो नॉर्मल है भाई, बड़ा इंजन है, हीट तो थोड़ा सा होगा ही, ठीक है ना। तो हीट होने के बाद क्या ये बंद होती है, क्या इसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम, और जैसे थोड़ा ट्रैफिक है रोड पे, क्या ऐसे में इसको मैनोवर करना आसान है या फिर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं।
सबसे पहले आप लोगों को मैं एक दो बात बता देता हूँ। जैसे कि अपन माइलेज टेस्ट का वीडियो बना रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं है कि भाई माइलेज टेस्ट का वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल इसे 30-40 चलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा डेली चलाता हूँ वैसे चलाऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं हम इसकी हीटिंग के बारे में। तो क्या आरएस गर्म होती है? तो जी हाँ गाइस, आरएस गर्म होती है। बट देखो इसकी हीटिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये कितनी भी गर्म हो जाए बाइक कभी बंद नहीं होगी, चाहे कितनी भी गर्म हो जाए। हमने इसको कड़ी दोपहर में डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन घंटे कंटिन्यूस चलाया, वो भी बिना इंजन ऑफ करे, तब भी ये बंद नहीं होती। तो वो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर आप KTM के साथ जाओ तो भाई KTM के अंदर हीट की बोरिंग आते ही बाइक बंद हो जाती है, बाइक टाइम मांग के कहती है इतना टाइम दो, इसके बाद की स्टार्ट होगी, देन आप जा सकते हो। तो वो चीज़ भाई आरएस के साथ आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़े से ट्रैफिक में या फिर भीड़ में इसको मैनोवर करना आसान है या फिर नहीं है, बस इसके थोड़े से शीशे देखने पड़ते हैं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप निकाल लोगे। क्योंकि जैसे शीशे हैं ना, जैसे आगे देखो इस बाइक को पिलियन बैठा है, भाई लग जाते हैं। कितनी बार मेरे से खुद लग गया, मैंने कितने को सॉरी बोला, मैंने कहा भाई सॉरी गलती से लग गया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा है और अगर अंदर कर लो फिर साइड नहीं दिखती, तो ऐसा कुछ इसका प्रॉपर सीन रहता है। और अपन जब ब्लॉग करते हैं या फिर आप लोगों से बात करते हैं तो सारी जनता जनार्दन हमें देखते ऐसा लगता है कि पता नहीं किससे बात कर रहा है। खैर उसको छोड़ते हैं, यहाँ से मारते हैं यू टर्न। और एक बारी कमेंट बॉक्स में साउंड जरूर बता देना, साउंड कैसी आ रही है। और भाई अभी तो ये प्रॉपर हीट नहीं हुई, जब प्रॉपर हीट हो जाएगी ना तब साउंड में एक अलग ही बेसीनेस आ जाती है, अलग ही पागल सी हो जाती है। मतलब जब बड़े मज़े आते हैं, रियलिटी बताऊँ, जब हीट हो जाती है ना, आधे एक घंटा मैं इसको चला लूँगा तब हीट होने के बाद बिल्कुल मज़े बांधेगी। तो देखो अगर इसको मैं जाम में मनोवर करने की बात करूँ तो भाई ईजी है मनोवर करना, बस थोड़ा सा फेयरिंग का देखना पड़ता है कि आपके जो इंडिकेटर है वो लगना जाए, अगर थोड़ी कंजेस्टेड फंसी हुई जगह से निकाल रहे हो तो। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो मिरर्स का ही बस मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि लगना जाए यार, खामखा किसी की गाड़ी में लग जाए और फिर स्क्रैच वगैरह आ जाए, फिर वो दो बात बोलेगा, फिर भाई बर्दाश्त ना हो। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा ब्रेक लेके उसे जाने दो, फिर अपनी निकाल लो। सबसे बेस्ट यही तरीका है, मैं यही करता हूँ इसके साथ आरएस के। चाहे डोमिनार पे दिक्कत नहीं, क्योंकि डोमिनार एक फेयर्ड बाइक नहीं, उसके शीशे इतनी दूर नहीं है ना, तो वो इजीली निकल जाती है। निकल ये भी इजीली जाती है। टर्निंग रेडियस बहुत सही है इसका भाई, हैंडल इसका बहुत सारा मुड़ता है, टर्निंग रेडियस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ की अगर बात करी जाए कि आरएस को अगर आप लोग राइड कर रहे हो सिटी में, तो क्या सिटी में राइड करना टफ है, क्या मतलब इजी है, या फिर अगर देखा जाए तो और गाइस अगली इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आज ही कम से कम 4-5 वीडियो शूट करने के मूड में हूँ, क्योंकि यार आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं, पता ही होगा आप लोगों को कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में लॉकडाउन का चक्कर पड़ रहा है, लगभग हफ्ते भर का लॉकडाउन कह रहे हैं। और अगर हफ्ते भर से इन्होंने ज़्यादा का लगा दिया तो फिर यार अपन कॉन्टेंट कहाँ से लेके आएंगे। और आज का अपने पास मीडिया की न्यूज़ आई है कि रात को 10 बजे या फिर जो भी टाइम है, शायद 10 ही बजे हैं, लॉकडाउन लग जाएगा एक हफ्ते के लिए, प्रॉपर लॉकडाउन, अननेसेसरी कोई बात नहीं होगा। तो मैंने कहा यार आज टाइम है और मैं किसी से मिलने भी नहीं जा रहा हूँ, अपना सोलो आया हूँ अपना वीडियो।
करूँगा अच्छा और निकल जाऊँगा अपना घर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, वो एक रीज़न है।